Welcome to our YouTube channel. Today we are going to react on That's How I Feel by Emiway. और आपको मालूम होगा जैसे हर संडे टू संडे नए गाने आ रहे हैं, तो इस संडे का गाना ये था. और दूसरी चीज ये कि थैंक यू सो मच, आपने 6K हमारे कर दिए आखिरकार. बहुत बहुत ज्यादा 6K बहुत बड़ा नंबर होता है. थैंक यू सो मच. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा यार, 6,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया. हाँ. बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लग रहा है. सच में बता नहीं सकते कैसा लग रहा है. हमें छोटे छोटे बच्चों को इतने सारे लोग देखते हैं. हाँ यार, थैंक यू सो मच बहुत ज्यादा. और इसके बाद पिछला जो गाना था म्यूजिक करे हील, मुझे हील नाम था ना गाने का. हाँ, तो वो गाना यार मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा यार, सच में. अभी हम लोग काफी ज्यादा लेट हो गए रिएक्ट करने में, इसलिए अभी ही दूसरा भी कर रहे हैं. हाँ, और उस गाने को यार एमिवे ने खुद ही डायरेक्शन किया था, प्रोडक्शन किया था, मिक्स मास्टर किया था. और लिरिक्स तो अब उन्हीं की रहेंगी, ऑब्वियस बात है, लेकिन यार कितना तगड़ा था यार. और ये वाला जो नया गाना है दैट्स हाउ आई फील, इसमें भी मिक्स मास्टर एमिवे का ही है भाई. देखते हैं यार, अच्छा काम चल रहा है. पहले था हील, अब आया दैट्स हाउ आई फील. अच्छी सी वाइब्स आ रही है. मैंने कुछ और इमेजिन किया था यार. मैंने सोचा था कि इस गाने में पिछले गाने से सॉफ्ट स्टार्टिंग होगी. uh-huh. जैसे वाइब भी दे रहा था ना इंट्रो में म्यूजिक, लेकिन जैसी यार दैट्स हाउ आई फील बहुत तेज. जो ये वाला स्विच है ना, एक हार्ड बिल्कुल दैट्स हाउ आई फील, इसके बाद सॉफ्ट, तो ऐसे हमने जो स्वालिना के साथ गाना आया था एक, उसमें भी देखा था. ये चीज मुझे उसमें पसंद आई थी और यहां भी मुझे अच्छी लगी. ये स्विच अच्छे लगते हैं इस टाइप के, जो बिल्कुल एनर्जी स्विच होता है ना, एक हाई टू लो. सोच एक जैसी तू एकदम रियल बात. क्या पहले ये तो बताओ, पहले ये तो बताओ बात किसकी हो रही है. अगर आपको पता हो तो बताना जरूर कि किसकी बात हो रही है. हाँ, क्या कह रही हो? पर मुझे यही तुझे
आई नो तू और मैं बहुत अलग है फिर भी सोच एक जैसी, तू एकदम रियल बाकी लगती मुझे फेक जैसी, कहती मुझे मैं देसी स्टाइल मेरा भार का, 25 साल बीत गया तेरा इंतजार था, अब आर या फिर पार था, तेरे मेरे बीच में दीवार था, दीवार पे मैं मारता, हम कुछ नहीं कर सकते ये बात भी जानता, बस तू वो इंसान है छपी मेरे ध्यान में, फ्लाई करूँ हाई लव सॉन्ग्स मेरे कान में, अकेले गाने बजा के घूम रहा हूँ कार में, मैं तेरा नाइट टाइम तू मेरी मॉर्निंग, बहुत कुछ है दिल में स्टिल आई एम इग्नोरिंग, फ्लाई करूँ हाई लव सॉन्ग्स मेरे कान में, अकेले गाने बजा के घूम रहा हूँ कार में, मैं तेरा नाइट टाइम तू मेरी मॉर्निंग, बहुत कुछ है दिल में स्टिल आई एम इग्नोरिंग, दैट्स हाउ आई फील, दैट्स हाउ आई फील, सोच में ही रहता हूँ, दैट्स हाउ आई फील, That's how I feel. That's how I feel. That's how I feel. मेरे को इतना समझ आता है कि जिनके गाने आते हैं वो मोमेंट पर रहते हैं, वो जिस मोमेंट पर रहते हैं वही गाने आते हैं, मतलब अब ये गाने मतलब कार के ऊपर बैठ के बना रहे थे, वहां अकेले थे, तो इनके गाने की इनकी लिरिक्स में था कि मैं अकेले कार में घूम रहा हूँ गाने सुन रहा हूँ, और वहां पे भी पहले वीडियो एडिट कर रहे थे तो ये मैंने अकेले घर ले लिया है और यहाँ मैं एडिट कर अकेली जमीन ले लिया वाले गाने में। हाँ तो यही कि ये कि हाँ मोमेंट पे रहता है गाना, लिरिक्स ऐसा वीडियो बनाते हैं। यार ये गाना मुझे अच्छा लगा, जो That's how I feel ये जो आ रहा था ना, जो हाई पिच में ले जा रहे थे, इसके बाद फिर लो पिच में आ रहा था, फिर हाई लो, ये जो स्विच हुए थे एनर्जी स्विचेस, इसकी वजह से गाने में मेरे को मजा आ गई। और मुझे एमिवे की बात एक बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि ये मोस्ट कंसिस्टेंट रैपर है जिनको मैं जानता हूँ, जितने भी रैपर्स को जानता हूँ उनमें से मोस्ट कंसिस्टेंट रैपर है, मतलब जो इनकी कंसिस्टेंसी है इसी की वजह से इनका जो आज के नंबर्स दिखते हैं ना, वो कंसिस्टेंसी की वजह से नंबर्स है। बहुत मुश्किल होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, ये बात मैं कई वीडियोस में कह चुका हूँ और मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगती है। मुझे समझ ही नहीं आता कि कोई इतने गाने कैसे लिख सकता है, टॉपिक्स ही खत्म हो जाते हैं ना किस पर लिखे इनके, वही ये मोमेंट पर लिखते हैं सिर्फ, इसलिए इतने ज्यादा है। अच्छा पॉइंट बताया यार तुमने, ये अच्छा नोटिस किया कि मतलब वो कोई भी एक छोटी सी चीज में वो रैप लिख देते हैं। हाँ यही रीजन है। अच्छी यही मैं सोच रहा था कि कैसे टॉपिक्स मिलते होंगे। हाँ। तो इसने बता दिया कैसे मिलते होंगे। हाँ, वो एक छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्व करते होंगे। हाँ, और उसी मोमेंट पर लिख देते हैं। यही रीजन है। मतलब जो वो जहाँ गए वहाँ पर जो वाइब मिली उनको फील किया उन्होंने, उसको लिख दिया। अच्छी बात है यार ये। ठीक है फिर, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और बड़ी फैमिली करते हैं और हो गई है। आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर यूजर नेम से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है फिर, अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।